जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे। मित्रों मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय पुनः आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा 17 जून 2023 को शनिदेव महाराज जो है वह हो रहे हैं बकरी, तो किस किस राशि को मिलेगा फायदा उस पे आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप जो है इसी प्रकार से हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जब न्याय और कर्म फलदाता शनि महाराज जो हैं अपनी राशि बदलते हैं या फिर चाल में जो है वह बदलाव करते हैं, तो इसका व्यापक असर जो है वह 12 राशियों पर देखने को मिलता है, 12 राशियों के ऊपर असर पड़ता है। तो शनि जो है सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे आराम से चलने वाले ग्रह हैं। यह जो है यह किसी एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं, 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। शनिदेव महाराज जो है साल 2023 में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान है और शनि के कुंभ राशि में होने से जो है मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर जो है इस राशि इस समय जो है शनि की 7.5 साथी चल रही है। शनि महाराज की 7.5 साथी मकर, कुंभ और मीन राशि पे चल रही है। अब क्या है कि शनिदेव महाराज जो है 17 जून 2023 को रात 10:48 से जो है वह कुंभ राशि में रहते हुए बकरी चाल चलेंगे, बकरी हो जाएंगे। अब बकरी चाल का मतलब है कि उल्टी चाल में चलना, उल्टी चाल चलेंगे। तो शनि महाराज की यह बकरी चाल जो है 4 नवंबर 2023 तक रहेगी। तो फिर इसके बाद कुंभ राशि में ही शनिदेव महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे। तो शनि महाराज की यह बकरी चाल से जो है कुछ राशि वालों को होगा नुकसान तो कुछ राशि वाले के जातकों को मिलेगा फायदा। तो आइए आज जानते हैं कि 17 जून से जो है शनि महाराज जो बकरी चाल चल रहे हैं तो कौन कौन से राशि ऐसी राशियां हैं जिन्हें फायदा होने वाला है शनि महाराज के इस बकरी चाल का। तो सर्वप्रथम तो वह राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं आपके लिए जो है शनिदेव एकादश भाव में बकरी होंगे और आपके लिए शनि का बकरी होना किसी तरह से जो है किसी तरह का वरदान से कम नहीं है। धन लाभ में के जो है बेहतरीन मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, धन लाभ के बेहतरीन अवसर जो है आपको अवसर प्राप्त होते हुए दिखेंगे 17 जून के बाद, और शनिदेव की विशेष कृपा जो है आपको प्राप्त होते हुए दिख रही है, जिससे क्या है कि आप हर एक क्षेत्र में कामयाबी का मजा ले पाएंगे। इस भाव में जो है बकरी होना इस राशि के जातकों को अच्छा मुनाफा देने का काम करेगा, शनिदेव जो है आपको अच्छा मुनाफा देंगे और शनिदेव की कृपा से जो है इस समय व्यापार में मुनाफे की स्थिति है। वहीं मित्रों के संयोग के योग भी दिखाई दे रहे हैं, मित्रों का संयोग भी आपको मिलेगा, व्यापार में मुनाफा भी मिलेगा और समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होते हुए दिख रही है। बैंकिंग और मशीन के काम से जुड़े जातक जो है उनके लिए जो है कुछ नया करने को आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा यह समय मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी राशि कौन सी होगी जिन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दूसरी राशि होगी कन्या। तो कन्या राशि के जितने जातक हैं शनिदेव महाराज के बकरी होने का जो है आपको भी फायदा होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो महाराज हैं वे छठवें भाव में बकरी होते हुए दिखाई देंगे, छठे भाव में बकरी होंगे। तो इस भाव से जो है शत्रु का विचार भी किया जाता है, छठवें भाव से शत्रुओं का विचार किया जाता है। तो ऐसे में आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होते हुए दिख रही है और विदेश यात्रा का भी अच्छा योग आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस समय आपके ऊपर कोई कर्जा था तो वह कर्जा भी आपका जो है पूर्ण रूप से उतर जाएगा, ऐसे योग बन रहे हैं।
तो कन्या राशि के जातकों को भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अब बात करेंगे तीसरी राशि कौन है, जिस राशि वालों को, जिन राशि वालों को जो है शनिदेव महाराज के बकरे होने से मिलने वाला है फायदा। तो तीसरी राशि वह है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों को भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होते हुए दिखाई देगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो हैं वह चौथे भाव में बकरी होने जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में बकरी होने जा रहे हैं। तो धन लाभ के बेहतरीन और सरल मौके जो है आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में जो है मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है और पैतृक संपत्ति से आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है। इस समय जो है पैतृक जो संपत्ति है उससे अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इस दौरान आप हमेशा ही अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे। इस समय जो है अपने जो आपके लक्ष्य हैं अपने लक्ष्यों को केंद्रित रख करके आप कार्य करेंगे और व्यापार बिजनेस करने में जो व्यापार बिजनेस करते हैं जितने भी वृश्चिक राशि के जातक, तो आपको अच्छा मुनाफा जो है इस समय हासिल होता हुआ दिख रहा है। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, सुख और शांति की स्थिति आपके परिवार में रहेगी। परिवार का जो आपसी तालमेल है बहुत ही सुंदर रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी जो है यह समय बहुत ही शुभ होने वाला है शनिदेव महाराज के बकरे होने का। अब बात करेंगे अगली राशि कौन है जिन्हें होगा शनिदेव के बकरे होने से मुनाफा या फायदा, तो कौन सी वह राशि है। तो अगली राशि वह है धनुराशि। तो धनुराशि के जातकों को भी शनि महाराज के बकरी होने से जो है लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, धनुराशि के जातकों के लिए शनि का अपनी स्वयं की राशि में बकरी होना जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा धनुराशि के जातकों के लिए। कार्य क्षेत्र में आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो है आपका पूरा सहयोग और साथ कौन देंगे, परिवार वाले भी देंगे, इष्ट मित्र जो हैं सब आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे आप क्या होगा, जिससे जो है आप अपने काम में नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नई ऊंचाइयों तक जो है आप पहुंचेंगे और नई ऊंचाइयों को जो है प्राप्त करने में आप कामयाब हो जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यह जो समय है 17 जून 2023 के बाद का, धनुराशि के जातकों के लिए आपको अपनी मेहनत का, जो आप मेहनत करते हैं उसका अच्छा फल प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको सामने मिलते हुए दिखेगा। धन लाभ के अच्छे मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, धन लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। और कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई आपका मामला था, जो कोर्ट कचहरी में जो चल रहा मामला था आपका, उसमें भी वह जो है वह मामला भी आपके पक्ष में रहने वाला है। तो धनराशि के जातकों के लिए जो है यह शनिदेव महाराज का जो बकरी है यह बहुत ही शुभ होने वाला है। तो शनिदेव महाराज जो हैं 17 जून 2023 को जो हैं बकरी होंगे जो हैं, तो उन शनिदेव महाराज का बकरी होने से जो है मेष राशि के जातकों को, कन्या राशि के जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को और धनुराशि के जातकों को जो है बहुत ही अच्छा लाभ और बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।